Pleasure inviting our Honorable ADM Sir to deliver his thoughts and guide us through his wonderful words. Honorable Babu Ji, Meri Patri Srimati Shitla Ji, as a khoobsurat sanstha ke bahut hi behtareen Principal Sahab Sri SK Singh Sahab, is sanstha ki new dalne se leke ab tak सतत प्रयास करने वाले श्री अश्विनी जी, BSDC के हमारे फाउंडेशनर कुछ टीचर्स हैं, हमारा स्टाफ है और DWPS के हमारे सारा स्टाफ और हमारा सफाई कर्मचारी, माली, वाहन चालक, कैंटीन और अन्य सारे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कार्य साथियों, प्रिंसिपल साहब अपनी बात कह रहे थे, ये ड्यूटी है क्या? ड्यूटी बहुत सारी होती है। ड्यूटी कल PSDC के टीचर्स में बैठे थे, उनके बीच में एक बात कह रहा था मैं कि आपका कर्तव्य है, उसका निर्वहन होना चाहिए। अगर कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे आप, तो फिर बात है ही नहीं कोई। और वो कर्तव्य आता कैसे है? जोश होता है। जब तक कि जोश ना हो आपके अंदर, जब तक जज्बा आएगा ही नहीं। और वो जज्बा नहीं आएगा तो आपका बॉडी है, जो ब्रेन है, वो एक्टिव नहीं करेगा। और जब ब्रेन एक्टिव नहीं करेगा तो फिर आप काम ही नहीं कर सकते हैं, आप आलस की श्रेणी में चले जाएंगे। लेकिन जब जोश आता है, जज्बा आता है, तो ब्रेन काम करता है। तो ब्रेन जब काम करता है तो काम अपने आप दिखता है। ये एक संरचना है मानव शरीर की। इसमें अगर आलस में आप पड़े रहे, दिन भर आलस में रहेगा, जोश ही नहीं है आप में, एक बार असफल हो गए फिर आपने लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति असफल नहीं हुआ है तो वो ऊपर जा ही नहीं सकता है। ब्रिटिश में एक अभी सर्वे किया गया था जिसमें 1500 बुद्धिमान लोगों का सर्वे हुआ है, जो देश में, विश्व में जो 1500 लोग बुद्धिमान हैं, वो क्या है, कैसे हैं वो लोग, तो उसमें 4% लोग ऐसे थे जो जीनियस थे। शेष 96% फेलियर, फिल्योर, सारे जो असफलता के लक्षण हैं उनमें वो विद्यमान थे। तो 4% लोग ही पूरे विश्व में इंटेलिजेंट थे। हर आदमी अगर फेल नहीं हुआ है जीवन में एक बार, तो फिर वो उतनी उन्नति नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने उन्नति के रास्ते खोलने के प्रयास ही नहीं किए। जब आप प्रयास करोगे तो फेल, जब
यहाँ पर कोविड हुआ तो टीचरों को कहा गया कि ऑनलाइन क्लासेस कर लिया, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए फिर कुछ ही टीचर्स थे, 12 टीचर्स थे या 13 टीचर्स थे, तो फिर वो ट्राइपॉड आए, कैमरे आए, कैसा क्लास होगी, कैसे लेक्चर होगा, फिर वर्कशीट क्या होती है, वर्कशीट जाएगी कैसे, फिर ग्रुप कैसे बनेगा, इतने सारे जतन किए यहाँ के लोगों ने, टीचरों ने, क्लर्क ने, स्टाफ ने, प्रिंसिपल साहब ने, तब जाके कहीं वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो पाए। तो वो क्या था कि अगर हम जज्बा ना होता हम लोगों में तो ये ऑनलाइन क्लासेस कैसे हो जाती, लोगों का दिल कैसे जीते, 750 बच्चे कैसे हो जाते आपके एक साल डेढ़ साल में, और इस बीच में जबकि ये डेढ़ साल और दो साल कोरोना के बीच में जा रहे हैं, आप उसमें परेशान हैं, पूरा विश्व परेशान था, लेकिन उसमें भी आप सर्वाइव करने गए, उसमें आपकी संख्या घटने नहीं पाई। अभी जब एग्जाम करा रहे थे तो विवेक बता रहे थे कि 736 लोगों ने एग्जाम दे दिया और बिल्डिंग के अंदर पता ही नहीं चल रहा है कि सारे बच्चे बैठे कहाँ हैं। तो सोचिए कि आप 750 बच्चों को प्लानिंग करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, ये कैसे संभव है। इतनी पिन ड्रॉप आपकी साइलेंट क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन की, सारा टीचर्स मॉर्निंग में आया और अंदर जो आपकी टाइमिंग है उसी टाइमिंग पर बैठ के अपना वो क्लास लेते हैं, और क्लास लेने के बाद वर्कशीट भेज करके और 3-4 बजे के बीच में करके आप ग्राउंड में खेलने कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक ऐसी व्यवस्था बन गई है, सफाई कर्मचारी एकदम कैंपस को सुबह से ही साफ सुथरा करके रख देते हैं, जो माली का लोग काम करते हैं, हमारे गांव के जो भाई लोग हैं, माता हैं, वो इतना दिन भर काम करती हैं, उन्होंने सब दुरुस्त करके रख दिया। जो क्लर्कल स्टाफ है बीएसडीसी का, यहाँ का जो टीचर संवर्ग है, वो मॉर्निंग में आके ही अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने लगता है और बिना रोके बिना टोके बिना कुछ कहे वो उसका सतत निर्वहन करने लगता है।
के वीर बापरों ने इस देश के संविधान को संविधान कैसे आजाद दिलाई, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। और सर कह रहे थे कि मैंने कविता लिखी है, सर मैंने नहीं लिखी है, ये विनीत चौहान जी ने कविता लिखी थी और उसी को मैंने थोड़ा सा जोड़ के आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो आज हम विश्व के सबसे विशाल गणतंत्र में, जिस गणतंत्र के स्वतंत्र वातावरण में स्वच्छंदता की सांस ले रहे हैं, वह उसकी खुशबू हमारे देश के वीर शहीदों ने अपनी शहादत से संजोई है। उन्हीं में से एक 19 साल का बेटा 20 दिन उसकी शादी को हुए और 21वें दिन को कारगिल की युद्ध की चोटी पर चला जाता है। वहां से ये अलग बात है कि उसने वहां से अपनी पत्नी के लिए अपनी महबूबा के लिए एक पत्र लिखा, ये अलग बात है कि उसके पत्र के पहुंचने से पहले गांव में उसका सब पहुंच गया था। जब उसकी पत्नी ने वह पत्र खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर अपना इश्क भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर अपना इश्क भी कुर्बान है। युद्ध के अंतिम क्षणों में एक सैनिक अपने तमाम घरवालों के नाम पत्र लिखता है और सबसे पहले वो अपनी माँ को लिखता है। सुनिए, अगर कविता की बोल आप तक पहुंच जाए तो अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे भी बताने का प्रयत्न कीजिएगा। वो अपनी माँ को लिखता है, माँ तेरा लाडला आज रण में घायल हुआ है, माँ तेरा लाडला आज रण में घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता शत्रु भी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता शत्रु भी घायल हुआ है, रक्त की होली रचाए मैं प्रियंकर दिख रहा हूँ, माँ उसी सौनि से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ, माँ उसी सौनि से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ, युद्ध था भीषण मगर ना इंच भी पीछे हटा हूँ, माँ तुम्हारी ली थी कसम आज इंचों में कटा हूँ, आज इंचों में कटा हूँ। एक गोली दक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, माँ कसम दी थी तुमको जो आज मैंने पूर्ण की है, लो छा रहा है आंख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है मुझे नूतन सवेरा, कह रहे हैं शत्रु भी जिस तरह शैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंधी की कोख से पैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंधी की कोख से पैदा हुआ हूँ। माँ तुम यूं न समझना, ये तो सभी ने कहा कि सैनिक चिर निद्रा में खो गया, सैनिक शहीद हो गया, लेकिन एक सैनिक क्या सोचता है वो सुनिए, ये यूं ना समझना कि चिर नींद लेने जा रहा हूँ, माँ मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ, माँ मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। दो पंक्तियां अपने पिता को लिखता है, सुना है बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो पिता जिनकी अर्थी को कंधा उनके बेटे दिया करते हैं, पर जरा सोचिए उस बूढ़े पिता पर, उस बूढ़े बाप पर क्या गुजरती होगी जो अपने जवान बेटे की अर्थी को कंधा देता है। तो किसी ने कहा है, जितनी भारी लगती है शेष नाक को धरती उतनी भारी लगती है एक पिता को खुद बेटे की अर्थी, उतनी भारी लगती है एक पिता को खुद बेटे की अर्थी। कहता है पिता से, बचपन में मैं तुम्हें बड़ा ही दुख दे चुका हूँ, कंधों पे खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूँ, पिता तुम सदा कहते न थे ये दिन तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पे ले मुझे चलना पड़ेगा, पर पिता वह भार अपना तनिक हल्का कर न पाया, तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृ ऋण को भर न पाया, तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृ ऋण को भर न पाया। दो पंक्तियां अपने भाई को लिखता है कि सुन अनुज रणवीर बोली, अपने भाई का भी नाम युद्ध क्षेत्र से उठाता है, सुन अनुज रणवीर बोली वहां में जब आसमाई, ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई, ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई, बाहों से तुझे अब आकाश दे सकता नहीं हूँ, लौट कर भी आऊंगा पर विश्वास दे सकता नहीं हूँ, पर अनुज तुम विश्वास रखना मैं नहीं थक कर पड़ूंगा, पर अनुज तुम विश्वास रखना मैं नहीं थक कर पड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। कविता बारीक होती है और आंसुओं की स्थान चाहती है, अगर एक भी आंसू
उस शहीद की याद में जहाँ वो आज है उस छलके को उसे छलकने देना। कहता है अब तुम्ही को सौंपता हूँ बहन का ध्यान रखना, जब पड़े उसे जरूरत वक्त पर सम्मान करना। तुम उससे कहना जब भी रक्षा पर्व आएगा, तुम उससे कहना जब भी रक्षा पर्व आएगा, भाई अंबर में आशीष देता नजर आएगा, भाई अंबर में आशीष देता नजर आएगा। सभी से उसने कुछ ना कुछ कहा है, लेकिन अपनी पत्नी से उसने कुछ मांगा है। शायद मैं समझता हूं अधिकार इसी को कहते हैं। वो अंतिम क्षणों में अपनी पत्नी से क्या मांगता है सुनिए। आज भी प्रिय मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, आज भी प्रिय मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, है कठिन मगर निष्ठुर हृदय वो मांगता हूँ। अमर सौभाग्य की बिटिया सखा तुम माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में अंगूठी रचाना, तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्ति। वो कहता है तुम विधवा नहीं हो, तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्ति या की साधिका हो, तुम अमर बलिदान पुस्तक की पहली भूमिका हो, तुम अमर बलिदान पुस्तक की पहली भूमिका हो। बच्चों को याद करता है, कहता है जानता हूँ बालकों के कुछ प्रश्न सुलझे ना होंगे, जानता हूँ बालकों के कुछ प्रश्न सुलझे ना होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वे उलझे तो होंगे, पूछते होंगे पापा हैं कहाँ, कब आएंगे और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे, पापा हमसे हमको छोड़कर जाने कहाँ बैठे हुए हैं, क्या उन्हें पता है हम क्या उन्हें पता है हम उनसे रूठे हुए हैं। तो तुम उन्हें समझाना यूं जिद पे अड़ जाते नहीं है, और जो ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं है, जो ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं है। और वह 23 साल का सरदार रंग दे बसंती कहकर फांसी पर चढ़ गया था। क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आग दिखाई थी? बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, अब जरा आगे बढ़ना होगा, वी द पीपल वाला पन्ना दोबारा पढ़ना होगा और समझना होगा कि जहां आजादी का मतलब केवल फ्रीडम लिखा है वो सारे शब्दकोश व्यर्थ हैं। इस देश में आजादी के एक नहीं, एक दो नहीं, 135 करोड़ अर्थ हैं। आजादी वो है जब सपनों के दरख्त फलने से डरे नहीं, और ना टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के सामने चलने से। आजादी वो है जब झुके हुए सरों को मुकद्दर बदल जाए और खोलियों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब हौसले की चिड़िया मजबूरियों का पिंजरा तोड़ दे। आजादी वो है जब हौसले की चिड़िया मजबूरियों का पिंजरा तोड़ दे और का खा गा ABC से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू ना आए। आजादी वो है जब अमन का गीत गाते हुए गले से लहू ना आए, अमरूद के मौसम में बारूद की बू ना आए। कब तक इतिहास की धूल को माथे लगाते रहोगे, अमर ज्योति को जलाए रखना है तो उसकी बुनियाद में नया ईंधन भरना होगा। 1950 का सब्सक्रिप्शन 2022 में रिन्यू करना होगा। बेखौफ जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराओ नहीं बस चलते रहो, बस आगे मोड़ पे थोड़ा सा आगे आजादी है। जय हिंद, जय भारत। I would like to invite our honorable principal sir to do the honors. To be very honest, it is all a team effort. Once we do some assessment, everyone is winner. But out of all winners, we choose someone who is at leading stage. So it's a great honor and privilege for me on this very special day. 3 people have been identified to receive their year excellence of hard work, dedication,
एंड एज वेल एज कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव एग्जाम्पलर। और उन तीनों लोगों में एक कॉमन बात है कि वो बिना समय का ध्यान देते हुए, जो सुबह हम 8 से 4 की बात कर रहे थे, तो 8 से 8 में भी वो थकते नहीं है। और उनके लिए रात दिन का कोई मतलब नहीं है। बहुत बार तो इसमें से एक कोई ऐसा है जिसको बुलाना पड़ता है कि भी घर जाओ, बत्तियां बंद करनी है, अनाउंस द नेम। तो दैट नेम इज कृष्णा सिंह, हु हैज बीन टायरलेसली वर्किंग। और इनके बारे में मैं कुछ आपको बताता हूं, जो बाकी चीजें आप लोग नहीं जानते। ही वॉज द बॉय हूम आई इंटरव्यूड फर्स्ट। तो मुझे ये बताना था कि कैसे टाई पहननी है, कैसे शर्ट पहनना है, और आज ही इज पुटिंग वन ऑफ एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस। मिस्टर कृष्णा हैज रिसीव वेल फ्रेम्ड सर्टिफिकेट। एक ऐसा नाम शिवाकांत, हाँ प्लीज हमारे बीच में आइए। ये ऐसे इंसान है जो कोरोना से कभी डरे ही नहीं, और 24 सुबह 5 बजे रात में 1 बजे, मुझे लगता है कि ये दिन और ये संस्थाएं ऐसे लोगों से ही आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत बधाई। एक खूबसूरत प्रशस्ति पत्र और साथ में एक गांधी जी इसके अंदर। एक और चैलेंजिंग टास्क हम लोगों के लिए रहा, जब हम लोग यहाँ आए तो एक लेबर काम कर रही थी, तो झुग्गी थी, तो वहां से स्टार्ट हुआ कि खाने पीने की क्या व्यवस्था हो और कैसे हो। और उसमें चूंकि बड़े सारे स्टेट से लोग आए हैं, खाने का स्वाद अलग अलग है, तो सामंजस्य बनाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन इस मुकाम के बीच में विमल जी हैं जिनका चेहरा बड़ा मुस्कुराता हुआ रहता है, और सबसे बड़ी बात यह कि हर बात में ये जी सर, और आपके खाने की तारीफ, जैसे भटूरा मैंने कल 4 खाया है पहली बार जीवन में। गुड मॉर्निंग टू ऑनरेबल चीफ गेस्ट, ऑनरेबल एडीएम सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, एंड ऑल माय डियर टीचर्स हु आर सिटिंग हियर फ्रॉम DWPS एज वेल एज BSDC। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू दैट ड्यू टू all of us hard work we had completed 2 years of DWPS, and in such a difficult situation of COVID that is known as pandemic, mostly schools are not able to survive, established schools are not able to survive in this situation, and we were the new ones. So I am very much thankful to ADM sir as well as principal sir to provided me an opportunity to speak on this wonderful day, and we are celebrating our 73rd Republic Day. So what does Republic Day means? This word Republic comes from the Latin word res public, that assist a government for people, a nation for people, and such type of the system can only be possible by democracy. Now, I am very proudly sharing that we are the world's largest democracy, and this democracy can only be implemented by a very good constitution, because
A democracy can't be implemented by a proper constitution. Unless and until you are not having any framework on constitution, we are not able to implement a proper democratic system. So the constitution has been passed on 26 November 1949. It was only passed on that day. That's why we celebrate that day as a constitutional day. But it was implemented on 26 January. This is the importance of 26 January 1950 was the day when this constitution was implemented. So my dear friend, I am standing with all of those as well as saluting all of those who are working day and night hard for the betterment of our motherland and our country. My dear friends, remember, problems, failures are the things, they will come, definitely come. The dreams are not that which we see while we are sleeping. The dreams are those which don't let us to sleep at night. That is known as dream. One of the time, my favorite idol, Mr. Kalam sir, one journalist asked, sir, what you say, what is the most powerful thing or the positive thing which India had? And what is the negative thing which is India having? So he addressed that, the most positive thing which India is having, that is 261 million of youth. We are having the largest youth power in the world. And the negative thing which we are having, the lack of vision in the youth. Nowadays we can see that most of the youth are not having vision. In the lack of vision, they are directed towards some mischievous activities. So very proudly I say that we are in a profession that we can guide our youth in a right direction. I would maintain that thanks are the highest from the thought, and the gratitude is happiness doubled by wonder. Hamare sabhi safai karmchari, suraksha karmi, hamara canteen staff, hamare support staff aur hamare campus ki sundarta barkarar rakhne wale mali ko main tahe dil se shukriya ada karti hu. I would like to express my sincere thanks to the members of BSDC group. A special thanks to Ms. Krati Saran. Please give a big round of applause. Mr. Pankaj sir for such a wonderful music. Mr. Naveen sir for beautiful decor. All female and male teachers for their fantabulous performance. Ms. Anjali Sharma for mesmerizing anchoring. Last but not the least, an extended vote of thanks to our ray of hope, our principal sir, who always believe in us and motivate us to achieve beyond the limits. Thank you so much, sir. Thank you all for the part of such wonderful celebrations.